अमेरिका में मक्का और गेहूं की कीमतों में जोरदार तेजी बनी हुई है और सोयाबीन इन दोनों का एक अच्छा विकल्प है, जिससे अमेरिका में सोयाबीन की कीमतों में तेजी बनी हुई है और इसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ता दिखाई दिया है। अमेरिका में गेहूं और मक्के की कीमतें ज्यादा रहने से सोयाबीन को गेहूं और मक्के की जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इसकी खपत और मांग अमेरिका में तेज हुई है। अमेरिका में सोयाबीन की मांग और खपत तेज होने से भारतीय सोयाबीन की कीमतों में भी तेजी आई है। कुछ किसानों ने भी सोयाबीन को स्टॉक करके रखा हुआ है, जिससे सोयाबीन की आवक के मंडियों में कम देखने को मिल रही है। प्लांटों से भी सोयाबीन की मांग निरंतर बनी हुई है। विदेशों में तेजी, मंडियों में कम आवक, इंडस्ट्री से सोयाबीन की निरंतर मांग, किसानों द्वारा सोयाबीन का स्टॉक करना और बड़े पैमाने पर बारिश से सोयाबीन की फसल खराब होना सोयाबीन की कीमतों में तेजी के कुछ मुख्य कारण हैं। जानकारों के अनुसार किसानों को अभी अपनी सोयाबीन रोक कर रखनी चाहिए। अभी सोयाबीन में और तेजी बनने की उम्मीद है। किसानों को अभी अपनी सोयाबीन स्टॉक करके ही रखनी चाहिए। जितना किसान अभी सोयाबीन को स्टॉक कर लेंगे, उन्हें उतनी अच्छी कीमतें आगे मिलती नजर आएंगी। जानकारों के अनुसार आगे किसानों को सोयाबीन के लगभग 8,000 रुपए क्विंटल तक के भाव मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।